वेल हाय गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पावर डायरेक्टर वर्सेस काइन मास्टर के बीच में कौन सा वाला सही है कौन सा वाला नहीं है, बट बहुत सारे लोग शिफ्ट होंगे और बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया था भाई हम वीएन एडिटर वाले, तो हमारे लिए कंपैरिजन वीडियो बनाओ, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको वीएन एडिटर वर्सेस काइन मास्टर करूंगा और वीएन एडिटर यहाँ पर गेम चेंजर भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारी चीजें काइन मास्टर पर नहीं है जो वीएन एडिटर पर है और जो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो वीएन एडिटर में नहीं है वो काइन मास्टर पर है। और साथ ही साथ अगर आप अपने यूट्यूब के जर्नी को भी स्टार्ट करना चाहते हो तो क्या पता वीएन एडिटर से अच्छा कोई सॉफ्टवेयर ही ना हो। वेल सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट इज देखो वीएन एडिटर पे आपको वाटरमार्क देखने को नहीं मिलता। वाटरमार्क तो क्या भाई, यहाँ पर आपको कुछ भी पे करना नहीं पड़ता लिटरली, बट काइन मास्टर का तो आपको पता ही है। सो ओवरऑल यहाँ पर वीएन एडिटर ऊपर इस चीज में। वेल अभी बात करते हैं सेकंड एडवांटेज के बारे में जो यहाँ पर काइन मास्टर थोड़ा एडवांटेज में है, वो है गाइस लैंडस्केप फीचर। आपको यहाँ पर काइन मास्टर पर मिल जाता है लैंडस्केप मोड में आप एडिट कर सकते हो, बट वीएन एडिटर में आपको पोर्ट्रेट मोड में ही एडिट करना पड़ता है, जो कि यार इतना कंफर्टेबल नहीं है बहुत सारे लोगों के लिए। वेल अब बात करते हैं थर्ड वाले ऑप्शन की, और थर्ड वाला ऑप्शन भाई जो स्लो मोशन एडिटर है जो स्पीड रैंपिंग करते हैं अपने वीडियोस पर उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वीएन एडिटर पर आपको स्पीड रैंपिंग का ऑप्शन मिलता है जो कि कर्व फीचर नाम का है, यहाँ पर आप अपने स्पीड रैंपिंग बहुत ही आराम से कर सकते हो, वो चीज आपको काइन मास्टर पर देखने को नहीं मिलता। काइन मास्टर पर ऑब्वियसली आपको एक बेसिक सा यहाँ पर आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है जो हर कोई सॉफ्टवेयर पर देखने को मिलता है। वेल अब बात करते हैं फोर्थ वाले ऑप्शन की, तो इस चीज में काइन मास्टर थोड़ा ऊपर है। काइन मास्टर ये नहीं बहुत सारी चीजों में ऊपर है, बट मैं यहाँ पर वीएन एडिटर को थोड़ा दिखा रहा हूँ ताकि भाई आपको पता चले कि क्या चीज काइन मास्टर पर नहीं है जो वीएन एडिटर पर है। देखो यहाँ पर लेयर एडजस्टमेंट के बाद आता है, तो भाई काइन मास्टर पर लेयर एडजस्टमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से होता है, बट वही चीज अगर मैं वीएन एडिटर की बात करूँ तो उसमें आपको इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ओके सो बात करते हैं फिफ्थ वाले कंपैरिजन की, तो इस कंपैरिजन में यह है कि भाई जो वीएन एडिटर है इसमें आपको कुछ ऐसे इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं जो हर बार भाई रील्स वगैरह में यूज होते रहते हैं, तो अगर आप एक रील यूजर हो तो उसके लिए भी बहुत ही जबरदस्त है, आपको फ्री में ये मिल जाते हैं जो कि आपको भाई काइन मास्टर पर पे करना पड़ता है, और इतना एक्यूरेट आपको काइन मास्टर पर भी देखने को नहीं मिलता ये वाले इफेक्ट्स। ऑलराइट सो अब बात करते हैं सिक्स्थ वाले कंपैरिजन की, ये जो कंपैरिजन है ना लो एंड डिवाइस यूजर के लिए ना बहुत ही बढ़िया है जो वीएन एडिटर यूज करेंगे, क्योंकि वीएन एडिटर ना लो एंड डिवाइस में भी बहुत ही जबरदस्त चलता है, लैग फ्री चलता है, बट अगर आप लो एंड डिवाइस पर काइन मास्टर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे लैग देखने को मिलेगा, वीडियो एडिट करने में इतना कंफर्टेबल फील नहीं होगा। ओके बात करते हैं लास्ट कंपैरिजन की, बट नॉट द लिस्ट, ये जो कंपैरिजन है ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एक्सपोर्ट सेटिंग का कंपैरिजन। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता होगा, देखो जो वीएन एडिटर है ना वो डिवाइस नहीं देखता भाई आपका डिवाइस क्या है, 4K में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो अपने वीडियो को, साथ ही साथ अगर आप अपने ओरिजिनल क्वालिटी में एक्सपोर्ट करना चाहते हो ना तो वो भी ऑप्शन दिया गया है, बट काइन मास्टर पर वैसा सीन नहीं है, वो अपने डिवाइस के मुताबिक ही एक्सपोर्ट करेगा, 1080p सपोर्ट करता है तो 1080p या फिर 720p। सो गाइस ये था कुछ कंपैरिजन वीएन एडिटर वर्सेस काइन मास्टर के बीच में, और यहाँ पर मैंने वीएन एडिटर का ना थोड़ा आपको एडवांटेजेस ही दिखाया है। काइन मास्टर पर ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसे है जो वीएन एडिटर पर नहीं है काइन मास्टर पर है, बट ऑब्वियसली आप उसके बारे में अवेयर हो आपको पता है, बट वीएन एडिटर बहुत सारे लोगों ने यूज नहीं किया, तो इसी कारण मैंने यहाँ पर थोड़ा डीपली आपको समझाने की कोशिश किया। सो होप करता हूँ आपको छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।